ना, अभी हमें करना है, अभी हमें करना है मीडियन, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। ये कलर दिख रहा है बेटा, हर्ष? ओके, नाउ वी कैन, नाउ वी हैव लेट्स से 0 to 10। ओके, सो 10 to 20, पहले इजी वाला क्वेश्चन लेते हैं। 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये लेते हैं। ओके, और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है पेपर में, सो फ्रीक्वेंसी कर दिया। 40 to 50, ठीक है। अब यस सर। सो 5, 15, 21, 9, 10, ठीक है, ये हमारा एफ है, ठीक है। अब मीडियन के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? सी एफ निकालना पड़ता है। वी हैव टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला वाला सेम रहेगा, सेकेंड वाला हो जाएगा दिस प्लस दिस, 5 प्लस 15 20, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 20 प्लस 21 41, फिर 41 प्लस 9 50, फिर 50 प्लस 10 60। दिस इज हाउ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज रिटन डाउन। नाउ दिस वैल्यू ऑफ आवर्स इज नोन एज एन। दिस वैल्यू ऑफ आवर्स विल बी नोन एज व्हाट? एन, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एन बाई टू निकालना होता है, तो एन बाई टू हो जाएगा 60 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। 5 इज लेस देन 30, 20 इज लेस देन 30, 20 इज लेस देन व्हाट? 30, एंड 41 इज ग्रेटर देन 30। जो फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू आएगा, जो फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू आएगा उसको मार्क कर लो, जो फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू आएगा उसको मार्क कर लो, ठीक है। अब मार्क कर लिया तो हमारे पास जो ये वाला वैल्यू है, दिस दिस इज नोन एज द लोअर लिमिट, दैट इज 20। जो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आया है दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी 21, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी 21। और उसके ऊपर वाला वैल्यू, उसके ऊपर वाला वैल्यू, लाइन के ऊपर वाला वैल्यू इज द सी एफ दैट वी हैव टू टेक, इज द सी एफ दैट वी हैव टू टेक, दैट इज 20। अब इसका जो फॉर्मूला होता है टू सॉल्व इट, मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। Somebody check the formula. This is the correct formula that we have written. I'll do it once more. I'll do another one more question. हाँ जी बेटा, into I into H into H. Okay, H is the difference between the upper limit and the lower limit, that is 10. So L हमारा आ गया 20 plus N by 2 हमारा आ चुका है 30. सी एफ हमारा है 20, एफ हमारा है कितना? 21, और एच हमारा है 10। सो ये हो गया हमारे पास, ये अगर सॉल्व करें तो इट इज 20 प्लस 100 बाई 21। 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट कितना? 21 4s are 84, सो 16 167, 4.7, सो अप्रोक्सीमेट आंसर इज 24.7, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द मीडियन। टेकिंग अनदर क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ओके, टेकिंग अनदर, निकाल सकते हैं? हाँ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ओके, सो लेट्स लुक एट, आई एम डूइंग वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल। सबसे पहले हमें लिमिट्स दिया होता है, जो गिवन है वो मैं ग्रे से लिख रहा हूं। लिमिट गिवन है मान लो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15,
15 से 20, 20 से 25, 25 से 30. This is the limit given to us. Okay? Frequency is given to us. Let's say 5, 7, 10, okay, 11, 12 and 1. ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी इतना गिवन होगा. अब ध्यान से देखना, अभी लिखना नहीं गाइज. आई गिव यू अ क्वेश्चन टू डू. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला वाला विल रिमेन द सेम, दूसरा वाला विल बी 7 + 5 = 12, तीसरा वाला 12 + 10 = 22, नेक्स्ट वन 22 + 11, नेक्स्ट वन 33 + 12 = 45. इसको मैं 5 ले लेता हूँ, इजी हो जाएगा. 45 + 5 = 50. अब ये जो 50 आया, इस 50 को क्या कहते हैं? N. अब सबसे पहले n by 2 ढूंढे, n by 2 कितना हो जाएगा? 25. 5 is less than 25. 12 is less than 25. 22 is less than 25. 33 is greater than 25. तो कौन से वाले को में हम बॉक्स बनाएंगे? ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू आया उस पे हमने बना दिया बॉक्स. ये बन गया फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू पे बॉक्स. ठीक है, अब जो इसमें जो लोअर लिमिट है 15, 15 को हम क्या कहेंगे? व्हाट विल वी कॉल 15? लोअर लिमिट. ठीक है, सो लोअर लिमिट आ गया, लोअर लिमिट का वैल्यू आ गया 15. ठीक है, ये हमारा हो गया लोअर लिमिट. ठीक है, इस वैल्यू को क्या लेंगे, इस वैल्यू को क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी. हाँ, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 11. ओके, सो एफ इज इक्वल्स टू 11. अब सी एफ 33 लेंगे या 22 लेंगे? 22. ऊपर वाले को लेते हैं, तो सी एफ हमारा क्या हो गया? 22. ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? बिल्कुल सही. सो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू द हाइट. एल का वैल्यू कितना? 15. एन बाई टू कितना? 25. सी एफ कितना? 22. एफ कितना? 11. H कितना? 5. सो हमारे पास आ गया 15 प्लस 3 5 से 15 बाई 11. 11 से अगर हम उसे डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 15 प्लस 11 1 से 11, 11 3 से 33, 11 6 से. सो आंसर इज 16.36. ठीक है, सो इट इज दिस सिंपल. ओके, इतना सिंपल हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर योर. तो सबसे पहले लिमिट्स एंड देन फ्रीक्वेंसी, और आपको ढूंढना पड़ेगा सी एफ. सो लिमिट्स है 0 से 15. पिंक टू शेप हटा दिया. ओके, 0 टू 15, 15 टू 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, 90 to 105. यहां तक लेते हैं. 1, 5, 12, 18, 15, 9 and 10. Okay, so the question is y'all, giving y'all 3 minutes to solve it. So CF, CF बताते जाएं, कितना आया?
वन सिक्स एटीन थर्टी सिक्स हाँ थर्टी सिक्स फिफ्टी वन सिक्सटी सेवेंटी आ तो गया n by 2 तो हो गया n by 2 हो जाएगा आपका 35 सो तो आने दो ना पहले क्वेश्चन आने तो दो मैं ना आई डू नॉट टेक अ परेशानी बिफोर इट कम्स पहले परेशानी को आने दूंगा और फिर करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही वाला लेंगे मींस n और तो वो इक्वल हो जाएगा एग्जैक्टली n by 2 और cf वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा अब इसको पहले करें सर मेरे को उसमें कंफ्यूजन हो रही है कि एल कौन सा है और वो बाकी सब वैल्यू कौन सी है ठीक है बेटा अब आप मेरे साथ करोगे ठीक है शुभम जो ना सबसे पहले क्या कर देना बॉक्स बना देना बॉक्स बना दिया नहीं बनाया यस सर बॉक्स बना दिया अब मैं ना दूसरा कलर ले रहा हूँ गोले बनाने के लिए लेट्स टेक दिस कलर फॉर गोलास ओके ये एक गोला बनेगा ओके ये एक गोला बनेगा यस सर और ये एक गोला बनेगा बना दिया गोला यस सर तो ये 45 क्या हुआ बताओ व्हाट इज 45 लोअर लिमिट एग्जैक्टली एल 45 हो गया 18 क्या होएगा सर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और ऊपर वाला 18 क्या हो जाएगा ये वाला 18 क्या हो जाएगा ओके दैट इज अवर सी एफ अभी चेक कर रहे बेटा ओके सो मीडियन का फॉर्मूला शुभम सर एल प्लस एन बाय टू हाँ अपॉन एफ माइनस सी एफ द होल अपॉन एफ बेटा अपॉन एफ इनटू एच वेरी गुड एल कितना आया बेटा 45 एन बाय टू कितना है 35 सी एफ कितना लेना है 18. F कितना लेना है 18. H कितना लेना है 15. तो आप पहले काटा पिटी कर देते हैं 3 5 15 3 6 ग्रीन नहीं दिख रहा है आई एम यूजिंग बैक टू दैट सो ये 5 हो गया ये 6 हो गया ठीक है अब बेटा 35 माइनस 18 कितना होता है 35 माइनस 18 17 होगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 ओके 17 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होता है 85 ओके 85 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है 6 1 6 6 1 6 25 6 4 24 10 6 1 6 40 6 6 36 उसके बाद से 6 रिपीट होता चला जाएगा सो आंसर कितना आ गया 59.16 देखे गाइस एवरीबॉडी हैव यू ऑल गॉट दिस आंसर यस सर यस सर ओके अब बेटा आ गया समझ में क्या करना है शुभम ओके सो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल ओके सो लेट्स गिव यू ऑल द क्वेश्चन लिमिट है 0 से ठीक है इतना क्वेश्चन दे रहे हो सर इसमें वो जो है वो इक्वल होगा या सर ग्रेटर ही होगा पता नहीं बेटा अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में सारे क्या है ग्रेटर वाले हैं कोशिश करते हैं इक्वल वाला बन जाए तो मेरा आ रहा है तो 57.5 आ रहा है बेटा कैलकुलेशन एक बार चेक करो कैलकुलेशन में ही कहीं पे एरर होगा बेटा लेस हो ही नहीं सकता आप खुद ही कौन सा किस चीज का सी एफ लेते हो सी एफ किसे लेते हो जो एन बाय टू से कम वाला वैल्यू फाइव की जगह 15 था अभी चेक करते हैं एक सेकेंड कहाँ पे बेटा हाँ 15 था 0 से 15 कितना हो गया डिफरेंस 15 माइनस 0 कितना हो गया ठीक है ओके सो दिस इज अवर लिमिट
नाउ लेट्स राइट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इजी वाला दे रहा हूँ, 5, 10, 15, 15, 10, 5. Okay, so this is the frequency. Come on, let's see. So CF hamara aa gaya 5, 15, 30, 45, 55, 60. तो n by 2 आ गया 30. ठीक है, 30 यहाँ पे है. तो बॉक्स ब्रैकेट जो लगाएंगे, जो हमारा बॉक्स बनेगा, जो बॉक्स बनेगा वो इसी पे बनेगा, बॉक्स इसी पे बनेगा. तो हमारे स्कूल में 45 में बॉक्स बनाया है. 45 पे बॉक्स बनाया है ग्रेटर वाले पे. यस. ओके, एक बार दोनों से करते देखते क्या क्या फर्क आता है. ठीक है, सो लेट्स डू इट हियर. हमारे पास ये मैंने एक बॉक्स बनाया, पहले इससे कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अब हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी एफ. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग सी एफ कितना 15, L कितना 15, F कितना 15, कंट्रोल Z. हाँ जी, 49 लेके चल रहे तो 0 आ रहा है, मतलब 22.5 आ रहा है. ओके, सो चेक करते हैं हाइट कितना है, 7.5. ओके, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, 25 है. मीडियन इज इक्वल्स टू n बाय 2. ओके, प्लस ये तो इक्वली इन द सेम गैप इंटरवल दिया होगा. हाँ 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 बेटा, सेम गैप ही होगा. एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच. सर वो 15 होगा ना, 15 प्लस 30. एल इज 15. हाँ हाँ, एल इज 15. यस बेटा, 112.5. नहीं बेटा, ये हो गया 15 अपॉन 15 वन, तो ये 7.5. देखो दोनों तरीके से सेम आंसर आया. बेटा अनीश ने कर लिया ना दूसरा तरीका. अनीश ने एग्जैक्टली 22.5. तो दूसरे तरीके से करते हैं, जो अनीश ने तरीका किया, जो आई थिंक सो प्रीतिका के स्कूल में भी, वो अदिति के स्कूल में, राइट अदिति? किसके स्कूल में? ओके, तो अब इसमें देखो ये वाला लिया स्कूल में, ये का है. तो हमारे पास लोअर लिमिट 22.5 लेंगे, एफ 15 लेंगे, सी एफ 30 लेंगे. ठीक है, तो अब एक बार फिर से करके देखते हैं. ओके, सो हमारा मीडियन देखना, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा. मीडियन इज हमारा क्या, एल. एल क्या आ गया, 22.5 प्लस n बाई टू. n बाई टू कितना है, 30 माइनस सी एफ कितना है, 30. f कितना है, 15. h कितना है, 7.5. 30 माइनस 30 इज 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना आ गया, 0. और आंसर क्या आया, 22.5. सो even if you did it by this method or this method, we get the same answer. Yes, beta. इसीलिए तो दोनों तरीके से करके दिखाया. ठीक है, ओके. अब मीडियन सबको क्लियर? मीडियन में कोई डाउट? ओके, सो चलते चला जाए मोड पे. द नेक्स्ट वन इज मोड. ओके, सो